नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में अदालतों ने कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ फैसला सुनाया, सजा के साथ ही भारी अर्थदंड लगाया। सुल्तानपुर में कुरेभार ब्लॉक के बसौड़ी गांव निवासी शिव बख्श निषाद ने एडीओ पंचायत श्री प्रकाश मिश्रा और सेक्रेटरी के खिलाफ बिना कमीशन के भुगतान न करने का आरोप लगाया है। अमेठी के मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी विजय पाल को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा में बिना किसी जानकारी के राजस्व कर्मियों ने रेशमा के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद से परिवार सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। लखीमपुर खीरी की निधासन थाना पुलिस ने आरोपी प्रहलाद को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखीमपुर खीरी की मितौली थाना पुलिस ने SC/ST एक्ट में वांछित आरोपी खेमकरण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। लखीमपुर खीरी की पसगवां थाना पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद करते हुए आरोपी माता प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामधारी नाई को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया। जौनपुर की पवारा थाना पुलिस ने एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जौनपुर में पार्वती पब्लिक स्कूल के पास सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर लोगों ने युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। जालौन में डकोर थाना क्षेत्र के टिमरो मोड़ पर एक फोर व्हीलर गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जालौन की कोच थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के राजापुर खरहर में जमीनी विवाद में घायल पीड़ितों ने SP ऑफिस पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। SP ने COCT को जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।